इंट्रोड्यूसिंग Redmi Note 8। सो दोस्तों, कुछ दिन पहले Redmi Note 7 Pro लॉन्च हुआ था और उसके साथ साथ Redmi Note 7S और राइट नाउ Redmi Note 8 भी लॉन्च होने वाली है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा, इन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले, पॉप हॉर्न सेल्फी कैमरा और साथ साथ कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 730G का नया वाला प्रोसेसर। जैसे कि हम सब जानते हैं, Xiaomi का नोट सीरीज का फोन की प्राइस बहुत ही लो होती है और उसका फीचर्स भी बहुत जबरदस्त होती है। सो Redmi Note 8 का प्राइस भी बहुत ही लो रखा गया है और फीचर्स बहुत जबरदस्त दिया गया है। सो चलिए जान लेते हैं इस फोन की डिजाइन के बारे में। जैसे कि Redmi Note 7 Pro में देखने को मिला था, बिल्कुल वैसा होने वाला है डिजाइन। बैक साइड में ग्लास का बैक ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आएगा और साथ ही साथ गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। एंड मोर देन, बैक साइड में कोई फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले सेंसर आएगा। सो बैक साइड से फोन देखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम होने वाला है। सो 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल एंड 19.5:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ मैक्सिमम डेंसिटी देखने को मिलेगा 403 ppi। सो डिस्प्ले कलर सैचुरेशन बहुत ही बेटर देखने को मिलेगा कंपेयर टू दिस प्रेजेंट अदर्स कंपनी फोन। और देखने को मिलेगा डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, साथ ही साथ इन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले सेंसर। आप मुझे कमेंट में जरूर बोलिएगा आपको इन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले वाला फोन अच्छा लगता है या फिर बैक साइड में जो नॉर्मल फिंगरप्रिंट सेंसर आती है वो वाला फोन अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है जो इन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले वाला फोन आती है वो थोड़ा सा स्लो काम करती है। सो बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि मेन कैमरा होने वाली है 48 megapixel का, जिसमें सोनी का IMX586 का सेंसर यूज किया गया है। एंड साथ ही साथ देखने को मिलेगा 16 megapixel जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल्स के लिए होगा और देखने को मिलेगा 12 megapixel जो कि टेलीफोटो लेंस के लिए होगा। इससे आप 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे, स्लो मोशन, ब्यूटी, HDR, पैनोरमा जैसे बहुत सारे मोड है कैमरा में, लो लाइट में भी अच्छा खासा फोटो डिटेल में क्लिक कर पाएंगे। एंड मोर देन, फ्रंट में 32 megapixel का पॉप अप फ्रंट सेल्फी कैमरा आएगा। यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि ये पॉप अप होगा, पंच होल भी हो सकता है, लेकिन पॉप अप होने का चांस बहुत ज्यादा है क्योंकि Xiaomi का कोई भी फोन का कैमरा पॉप अप नहीं आया, तो इस बार शायद आ सकता है। एंड फ्रंट कैमरा से आप 1080 पे फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, पैनोरमा, HDR, ब्यूटी जैसे बहुत सारे मोड है कैमरा में, इसे आप लो लाइट में भी बेटर फोटो क्लिक करवाएंगे। आप इस फोन के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, आप चाहे विजिट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा सकते हैं। और gearbest.com पर बहुत ज्यादा सेल चल रही है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। फोन एंड्रॉइड OS 9.15 पे रन करता है और साथ साथ MIUI 11 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। फोन दो वेरिएंट में लॉन्च होने वाली है, 6GB 64GB और 8GB 128GB, आप टू एक्सपेंडेबल कर पाएंगे 512GB तक। और जैसे कि Xiaomi का हर फोन में देखने को मिलते हैं हाइब्रिड सिम स्लॉट, तो इसमें भी सेम होने वाला है। फोन में 4000mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि क्विक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं टाइप सी पोर्ट के साथ, जो कि फुल डे बैकअप दे सकता है। फोन की टॉप साइड में 3.5 ऑडियो जैक देखने को मिलेगा एंड राइट साइड में पावर एंड वॉल्यूम बटन का सेटअप देखने को मिलेगा। सो आप बात करते इस फोन की प्राइस कितना हो सकती है और कब ये फोन लॉन्च हो सकती है इंडिया में। सो इस फोन की प्राइस 18,000 से 22,000 तक हो सकता है एंड ये फोन लॉन्च हो सकते हैं नेक्स्ट मंथ के एंड में। जैसे इस फोन के बारे में और ज्यादा अपडेट मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए। एंड आप लोगों का एक एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सो एक एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप मुझे कमेंट में जरूर बोलिएगा आप अभी कौन सा फोन यूज कर रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे हूं, एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आपका अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।